क्रोमैटिक स्ट्रेन आज हम सबरी कविता का अपना पद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस पद्यांश में कवि ने माता सबरी के माध्यम से बताया गया कि भगवान श्री राम जब उनके कुटिया पहुंचते हैं तो माता सबरी किस प्रकार से उनको फल खिलाती है, भोजन कराने का प्रयत्न वो करती है। कभी भगवान के बारे में सोचती है कि वो तो बाहर भोग खाने वाले हैं, और कभी वहाँ सोचती है कि नहीं ये तो मन में रहने वाले हैं, कंदमूल खाने वाले हैं। इस भाव को व्यक्त कवि इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाह रहा है। इस पद्यांश की व्याख्या करने से पहले हम कुछ कठिन सिद्धांत देख लेते हैं। जैसे इसमें बताया गया सिद्धांत के माध्यम से नित्य का होता है नित्य, नित्य का मतलब क्या होता है रोजाना, ठीक है। नित्य का अर्थ क्या होता है रोजाना, ठीक है। वनवासी, वनवासी मतलब वन के निवासी, वन में निवास करने वाले, ठीक है। वनवासी मतलब वन में निवास करने वाले। कंदमूल, कंदमूल का अर्थ होता है जंगली जड़, ठीक है। कंदमूल का अर्थ होता है जंगली जड़ या फिर शकरकंद, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। शकरकंद भी इसका अर्थ होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो शकरकंद बनता है कंदमूल का, और यहाँ पर हमने बताया गया जंगली जड़ या शकरकंद भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ कठिन शब्द हमने लिए। उसके बाद में इस का संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ में क्या बताया गया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वासंती के सबरी कविता से लिया गया है, और उसके कवि प्रेम भारती जी है। प्रेम भारती जी द्वारा इस कविता की रचना की गई है, ठीक है। ये तो हमारा संदर्भ हो जाता है। संदर्भ के बाद प्रसंग आता है। प्रसंग इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कि मुख्य बातें क्या दे रखी है, वही हमको प्रसंग में लिखना होता है। तो इन पंक्तियों में जब हमने देखा पढ़ने में आया तो मुख्य बातें क्या देखने को मिली, जैसे मैंने बताया गया कि भजन पद्यांश में श्री राम के भोजन की व्यवस्था के संबंध में सबरी की चिंता का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, भगवान श्री राम को भोजन करवाने के लिए माता सबरी किस प्रकार से चिंतित होती है, उसकी चिंता का वर्णन देखने को मिलता है। किस प्रकार से प्रसंग में सोचती है माता सबरी कि कभी भगवान को राजभोग राजभोग खाते हैं, भोजन करते हैं ना, और कभी सोचती नहीं तो मन में रहने वाले और मनमूल का सेवन करते हैं। इस प्रकार के भाव को व्यक्त करने का वर्णन उसकी चिंता का वर्णन देखने को मिलता है। ये हमको दसवां प्रसंग हो जाता है। प्रसंग के बाद व्याख्या आती है। व्याख्या से पहले हम विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या बताया गया वही बात देखने को मिल रही है। जिस श्री राम के भोजन के संबंध में सबरी की चिंता वर्णित है, मतलब सबरी माता की चिंता का वर्णन किया गया है कि माता सबरी किस प्रकार से भगवान को भोजन कराने के तथ्य में चिंतित रहती है, उसकी चिंता का वर्णन देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। भाषा में देखते हैं तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्दों के माध्यम से स्पष्ट शब्द दिखाई देते हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिल रहा है। अलंकार में अनुप्रास और पंक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये विशेष हो जाता है। विशेष के बाद आती है व्याख्या। तो व्याख्या देखते हैं। वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वहां लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। अर्थात क्या बताया गया है कि माता सबरी, जब सबरी माता भगवान को श्री राम माता लक्ष्मण को भोजन कराने के तथ्य के माध्यम से बताया गया है कि वन से वन चुन चुन कर जो मीठे फेरे देते वहां लाए थे, प्रतिदिन भगवान मेरे कुटिया पर आएंगे, मेरे द्वार पर जब आएंगे मैं उनको मीठे फल खिलाऊंगी, है ना। नित्य वह जो फल प्रतिदिन जो फल चुन कर लाती थी लाई थी, और चुन चुन कर जो मीठे फेरे देते वहां लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन लचाए, मन ही मन सोच रही थी, प्रसन्नचित हो रही थी, है ना। भाव ऊपर हो रही थी, मन ही मन चाह रही थी, बड़े प्रेम से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को खिलाने का प्रयत्न कर रही थी, बड़े सोच रही थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचा ललचाई थी। कभी कभी सोचती है राजभोग को, राजभोग को किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं नहीं वनवासी होकर कंदमूल लेते हैं। अर्थात माता सबरी की चिंता का वर्णन देखने को मिल रहा है पंक्तियों में। और सबरी माता सबरी सोचती है कि कभी सोचती है कि राजभोग तो राजभोग का सेवन करते हैं, है ना, राज भोजन का सेवन करते हैं, क्योंकि राजभवन में रहने वाले राजकुमार हैं, है ना, वो किस प्रकार से कंदमूल खाएं, है ना, वो उसकी चिंता का वर्णन। तो कभी सोचती किंतु अरे लेते हैं, है ना, वो राजभोग का सेवन करते हैं, परंतु नहीं, वो बोलती है नहीं, वो तो वनवासी, वो तो वन में रहने वाले,
जड़ से नहीं कह सकते हैं, जंगली जड़ संबंधित फलों का सेवन ही करते हैं, वो कंदों का ही सेवन करते हैं। इस प्रकार से भाव युक्त बताया गया है माता सबरी के माध्यम से, चित्त मंडन शब्दों का माध्यम से युक्ति की व्याख्या की गई। इस प्रकार से पूर्ण पद्यांश की व्याख्या पूर्ण हो जाती है।